तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक बीम हो तो उसके लिए अगर कोई भी अगर न्यूमेरिकल्स हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसी तरह आज हम देखने जा रहे हैं, एक हमारे पास अगर फ्रेम है, हमारे पास ये एक फ्रेम है, क्वेश्चन है, एनालाइज ए कंटीन्यूअस बीम हैविंग रिजिडली फिक्स्ड एंड सी एंड डी इज पिन्ड एट ई एंड हैज रिजिड जॉइंट्स एट ए एंड बी, द मेंबर्स आर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड मटेरियल्स थ्रू आउट यूज कनीज मेथड। तो आपको ये प्रॉब्लम है जिसमें कि ये मेंबर ए बी जो है वो 3 मीटर का है, बी सी 4 मीटर का है और ए डी और बी जो है दोनों 3 मीटर का है। ए डी जो है यहाँ पे फिक्स्ड है और ई जो है यहाँ पे हमारा पिंड है और इस पे दो लोड लगा हुआ है जो कि 12 किलो न्यूटन का है और ये भी आपका 12 किलो न्यूटन का है और इस पे जो है हमारा यूडीएल लगा हुआ है जो कि 4 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग कनीज मेथड और इसका जो मेंबर्स है आर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शंस मींस जो है हमारा ईआई इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शन मोमेंट। हम कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स्ड मोमेंट के कैलकुलेशन में जो होता है सबसे पहले हम सभी मेंबर्स को जो है फिक्स्ड मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए डी और बी पे कोई भी लोड अप्लाई नहीं है तो इसके लिए जो फिक्स्ड मोमेंट है वो हमारा 0 हो जाएगा, ये दोनों आपका 0 हो गया। अब हम आते हैं स्पैन ए बी पे, तो स्पैन ए बी के लिए जो फिक्स्ड मोमेंट होगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ माइनस इस फर्स्ट लोड के लिए डब्ल्यू ए वन बी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस डब्लू यहाँ से यहाँ आपका हो गया, ये हो गया आपका पार्ट ए टू बी टू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो इसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 12 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरह हम बी ए का निकालते हैं तो वो हो जाएगा आपका माइनस डब्लू, अगर हम बी ए की तरफ से निकालेंगे तो ये आपका था ए वन यहाँ से यहाँ था ए टू तो इसके लिए हो जाएगा आपका पहले बी टू ए वन ए टू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस डब्लू बी वन ए वन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इस पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये प्लस होगा प्लस 12 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय सॉरी यहाँ पे 1 होगा और ये 2 होगा 3 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। तो ये भी कैलकुलेट करने पर हमारा आ जाएगा मान प्लस 8 किलो न्यूटन मीटर। अब हम निकालते हैं बी सी स्पैन के लिए, तो एम एफ बी सी हो जाएगा माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाय 12, ये आपको हो जाएगा माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 जो कि आ जाएगा माइनस 5.33 किलो न्यूटन मीटर। एम एफ सी भी निकलने पे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 जो कि हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर बाई 12, ये भी हो जाएगा आपका प्लस 5.33 किलो न्यूटन मीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। इस तरह हमारा स्टेप है रोटेशन फैक्टर कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो हमारे पास एक जॉइंट है ए और दूसरा जॉइंट है बी, तो जॉइंट है हमारा ए और बी। ए से निकलने वाले जो स्पैन्स हैं वो है ए डी और ए बी, उसी तरह बी से जो स्पैन्स निकल रहे हैं वो है बी ए बी ई और बी सी।
अब हम निकालेंगे इसकी रिलेटिव स्टिफनेस। तो एडी जो स्पैन है, एडी स्पैन इसका हो जाएगा का आई बाय एल, आई बाय एल इसका 3 है, ए वी के लिए भी आई बाय 3 हो जाएगा। फिर बी ए के लिए निकालेंगे तो बी ए के लिए भी आई बाय 3। और ई जॉइंट जो है ये पिन जॉइंट है तो इसके लिए हो जाएगा आपको 3/4 आई बाय एल, ये हो जाएगा आपको 3/4 इंटू आई बाय 3 प्लस टू आई बाय 4। और बी सी के लिए हो जाएगा आई बाय 4। इसका समेशन निकालते हैं अगर ए जॉइंट पे तो हो जाएगा 2i/3, बी जॉइंट पे निकालते हैं तो हो जाएगा 10i/12। अब अगला स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का, जो कि होता है उस स्पैन का रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल स्टिफनेस। तो AD के लिए हो जाएगा 0.5, AB के लिए भी हो जाएगा 0.5, B के लिए 0.4, ये 0.3 और इसके लिए 0.3। अब रोटेशन फैक्टर निकाल लेंगे जो कि हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनटू -1 होता है, हो जाएगा -0.25, -0.25, -0.2, -0.15, -0.15। अब इसके बाद जो है हम आइट्रेशंस करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जहाँ भी जॉइंट होता है वहाँ पे दो दो बॉक्स बना लगते हैं, एक होता है इनर बॉक्स और एक होता है आउटर बॉक्स। तो सबसे पहले आप जो भी फिक्सिंग मोमेंट है वो बस सारी लिख दीजिए, ये आपका 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे -8 है, ये +8 है, बी ई के लिए -5.33 और इसके लिए ई बी के लिए 5.33, बी ई के लिए 0 और ई बी के लिए भी 0 है। फिर हम इनर बॉक्स में जो है उस जॉइंट पे सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अप्लाइड लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -8, बी जॉइंट पे आ जाएगा +2.67, ये हो गया। फिर ये भी हमारा पिन जॉइंट है, तो ये पिन जॉइंट है ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को रेजिस्ट कर लेगा, लेकिन इस पर अगर हम कोई मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इसका जो हो जाएगा मोमेंट 0 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे आइट्रेशन करेंगे तो, और उसके बाद इसमें जो भी रोटेशन फैक्टर होता है वो लिख देते हैं आउटर बॉक्स में। आइट्रेशन के स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जो भी सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आता है उस जॉइंट पर उसको मल्टीप्लाई करते हैं रोटेशन फैक्टर से। तो यहाँ पे पहले स्टेप में मल्टीप्लाई क्या करेंगे, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 से, तो ये जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा +2। और फिर साथ साथ में AD के लिए हो जाएगा -8 × 0.25, तो ये भी आ जाएगा +2.0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो है इसको हम ऐड करेंगे इस टोटल मोमेंट के साथ, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस रोटेशन फैक्टर के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा -0.93। अब बी के लिए हो जाएगा -0.70 और बी के लिए हो जाएगा सेम हो जाएगा -0.70। अब अगला स्टेप जो करते हैं उसमें हो जाएगा कि हम इसको ऐड कर देंगे, इस कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे इस मोमेंट के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस रोटेशन फैक्टर के साथ। ये हम अगर करते हैं इसी तरह अगर कंटिन्यूस करते रहेंगे तो ये आपका आ जाएगा +2.23, यहाँ भी +2.23, इस साइड आ जाएगा -0.98, ये आ जाएगा -0.73, यहाँ भी -0.73, फिर यहाँ आएंगे तो आ जाएगा +2.24, ये भी +2.24, यहाँ आ जाएगा -0.98, -0.74 और ये आ जाएगा -0.74। तो ये आप देख सकते हैं कि जो दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, तो हम यहाँ पे एड्रेशन को रोक देंगे।
और ये हमारा हो जाएगा रोटेशनल कंट्रीब्यूशन। तो अगर हम सभी स्पैन्स के लिए रोटेशनल कंट्रीब्यूशन को लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जो हमारे रोटेशनल कंट्रीब्यूशन आया था उसको हम लिख लेंगे। तो मेंबर डी ए के लिए हो जाएगा रोटेशनल कंट्रीब्यूशन, वो हो जाएगा का जीरो। ए डी हो जाएगा 2.24, रोटेशनल कंट्रीब्यूशन एम ए बी हो जाएगा 2.24, बी ए हो जाएगा माइनस 0.78, इस तरह रोटेशनल कंट्रीब्यूशन बी सी हो जाएगा -0.74, डी हो जाएगा -0.74। अब हम करेंगे, सबसे पहला करेंगे यहाँ पे सबका फिक्सिंग मोमेंट लिख देंगे। तो डी ए के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो, ए डी के लिए जीरो, ए बी के लिए -8, इसके लिए +8, -5.33, ये जीरो और इसके लिए +5.33। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 times नियर इन कंट्रीब्यूशन, तो इस सब को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 4.48, यहाँ भी 4.48, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.96, यहाँ -1.48, यहाँ -1.48, और ये हो जाएगा जीरो। और फिर हम लिखेंगे फाल एंड कंट्रीब्यूशन, ये आपका हो जाएगा, हम फाल एंड कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, बस एक्सचेंज कर देते हैं। तो इसमें 2.24 जीरो -0.98 +2.24 जीरो और -0.74। फाल एंड नियर इन कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर हम ए बी के लिए जो भी हमारा रोटेशनल कंट्रीब्यूशन था वो एम बी ए हो जाएगा, जो कि हम इसको फाइनल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब हमें फाइनल इन्वॉल्वमेंट निकालने के लिए क्या करना है कि सबको ऐड कर देना है। तो ये हमारा आ जाएगा 2.24, 4.48, ये आ जाएगा -4.5, ये आ जाएगा 8.28, यहाँ आ जाएगा -6.81, यहाँ 0.48 और +4.59। तो ये आ गया आपका फाइनल एलिमेंट और यहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी बीम्स या फ्रेम है और उसका अगर सेटलमेंट हो या स्वे हो तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर